बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आज हमने लैम चॉप्स बनाई हैं, मटन चॉप्स। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, करारी और खस्ता बनी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई ले ली है, फ्राई पैन जैसी टाइप की, पतीले ही समझ ले आप एक किस्म के, क्योंकि नीचे से फ्लेट है ये, बहुत वो डीप नहीं है। तो हमने ऑयल ले लिया है तकरीबन 50 ग्राम, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक डाल लिया है। तो ये जिंजर गार्लिक को हमने भून लेना है, इसको फ्राई कर लेना है तकरीबन, इसका हमने ब्राउन कलर कर लेना है, क्योंकि बहुत जलाना नहीं है, लाल नहीं करना है, लेकिन थोड़ा ब्राउन टाइप का कर लेना है। इसकी अपनी जो ओरिजिनल जगह है, इस तरह का आप देखें, ये इस तरह का आप कर ले बस। अभी हमने इसमें ओनियन डाल देना है, एक चॉप्ड ओनियन करके, और इसको हमने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है, बस हल्का सा पका रहे हैं तकरीबन मिनट, आधा मिनट। बहुत ज़्यादा ओनियन को हमने नहीं पकाना है, क्योंकि वो साथ में बीच में गल जाएगा, हमने इसको गलाना है, ओनियन को लाल नहीं करना है। तो ये बस ऐसे देखें, आपका जिंजर गार्लिक ब्राउन हो गया था, बस अभी हमने इसमें मटन चाँपें डाल देनी है, लैम चॉप्स, इस तरह से आप बस डाल दें जो है। तो और आग अभी हमने जो है मीडियम टू स्लो कर देनी है, बहुत तेज़ आग नहीं रखनी है हमने, क्योंकि फिर वो एकदम जलना शुरू हो जाएगा, तो मीडियम टू लो आग पे हमने इनको पकाना है। तो ये जी तकरीबन 1 किलो लैम चॉप्स थी, तो 1 किलो लैम चॉप्स हमने जो है बस अभी इनको हमने कल्टी कर दिया है, पलट दिया है, दूसरी साइड हमने नीचे कर दी है इनकी, और दूसरी साइड से अभी हमने इनको पकाना है। और आग हमने मीडियम टू लो रखी हुई है, आग हमने फुल नहीं करनी है, और जब दोनों तरह से पक जाए तो फिर हम इसको आगे शुरू करते हैं। तो तब तक प्यारी बहनों और भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो इसमें हमने 1 टीस्पून अभी नमक डाल दिया है, अभी हम इसमें मसाले डालते हैं। चिली पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है, बस ऊपर से इस तरह छिड़कते जाना है। हल्दी का 1 टीस्पून डाल दिया है, ज़ीरा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और कसूरी मेथी हमने थोड़ी सी छिड़क देनी है चुटकियों में पकड़ के, बस उतना आगे पिस भी जाए, बारीक हो जाए। और थोड़े से साबुत क्यूमिन सीड ज़ीरा जिसको कहते हैं, ज़ीरा थोड़ा सा हमने डाल देना है इसमें। तो बस जी अभी हमने इसको सबको मिक्स करना है, और फिर इनको कल्टी करना है, ऊपर की साइड नीचे और नीचे की साइड ऊपर, और आग हमने वही रखनी है, इसको तेज़ आग नहीं पकानी है हमने इसको जो है, क्योंकि ये मसाला लैम चॉप्स है, हमने इसको ग्रेवी वाली लैम चॉप्स नहीं बनाना है, हमने मसाला लैम चॉप्स बनानी है। और बारबेक्यू वाली भी लैम चॉप्स हमने नहीं बनानी है, क्योंकि बारबेक्यू वाली भी वो ड्राई ड्राई और लाल सी ऊपर होती है। तो बस जी हमने एक टमाटर लिया था, वो भी हमने चॉप्ड करके बारीक, क्योंकि हमने थोड़ा मसाला बनाना है, तो अभी इस टमाटर को भी हमने पका के गलाना है इसको। तो इसको जी अभी हम कवर करके 2-3 मिनट पकाएंगे, आग हमने वही रखनी है मीडियम टू लो में। टमाटर देखें हमारे गल गए, और अभी हमने इसको बस ऐसे मिक्स कर देना है, मिक्स करके अभी फिर हमने इनको कल्टी मारना है, और थोड़ा सा इसको और ज़रा पका देना है ताकि टमाटर का पानी सारा सूख जाए। ये देखें टमाटर का पानी माशाल्लाह सूख गया है। तो अभी जी हम इसमें दही ऐड करेंगे, तकरीबन 100 ग्राम डालेंगे, 5-6 चम्मच, और दही को हमने फेंट कर नहीं डालना है, क्योंकि ये दही हमने ऐसे साबुत साबुत डाल के इसको पकाना है, ताकि ये पनीर चीज़ की तरह इसका पानी सूख जाए, और वो थोड़ा सा डली डली सी मसाले में जो है ना वो मज़ा आती है। अभी आप देखना, हम इसको कवर करके पकाएंगे, ऐसे हमने बस मिक्स कर लिया, और अभी इसको हम कवर कर देंगे। ये हमने कवर कर दिया, और अभी ये देखें दही का पानी सारा बैठ गया है, और जो दही का अपना पनीर चीज़ की टाइप का था ना, वो अभी बोटियों के ऊपर ऊपर और बीच में भी रह गया है थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम फिर जो है तो थोड़ा इनको कल्टी करेंगे, ताकि ऊपर से एक साइड से पक जाए तो दूसरी साइड से भी सही पकें। और ये देखें आपको बीच में सफ़ेद सफ़ेद पुटके पुटके नज़र आ रहे हैं दही के, तो ये पनीर बन गया है चीज़ की तरह, और ये मक्खन की तरह, ये देखें बहुत मज़ेदार ये चीज़ होती है जो है ना। तो बस ये बीच में पक जाएगी मसाले में, मसाला बन जाएगा, और बहुत ही मज़ा करेगा। तो बस ये हमने इसको थोड़ा सा हिला के अभी थोड़ा सा फिर इसको पका लेना है, और आग वही रखनी है आपने मीडियम टू लो। बस ये हमने 1-2 मिनट इसको थोड़ा सा स्टीम दी थी, ताकि दही का भी सारा पानी, और ये जी बस तैयार हो गई है हमारी लैम चॉपें माशाल्लाह। ये देखें बीच में कोई ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, पानी नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि जो थोड़ा थोड़ा सा मसाला है वो हमें इसमें नज़र आ रहा है बस। तो ये जी बस अभी आप इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर दें कोरिएंडर की, और ग्रीन चिली जो है बुलेट चिली थोड़ी थोड़ी काट के आप इसमें डाल दें, और माशाल्लाह जी बस। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपनी अमान में रखे, अल्लाह पाक आपको ऐसी अच्छी अच्छी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने की तौफीक अता फरमाए, और
आपको बच्चों की खुशियां दिखाएं, बस ये देखें जी माशाल्लाह फ्रेश धनिया थोड़ा काटें और ऐसी मिर्ची के दो दो पीस करके डाल दें, चपाती के साथ खाएं आप माशाल्लाह, या छड़ी ये लैम चॉप खाएं। वैसे ये चपाती के साथ ही खाने वाली हैं, जो हमने थोड़ा सा इसमें ये मसाला नज़र आ रहा है ना आपको, देखें कोई इसमें पानी नहीं है, घी नहीं है, तो इस मसाले के साथ जो है शुरू में भी आपने देखा है प्लेट में, तो बस पतली चपाती बनाएं आप, रुमाली चपाती चपाती जो है, या हल्के हल्के फुलके बना लें रोटी के। तो चलें जी माशाल्लाह दुआ में याद रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।